बंदी ये भी नहीं बोल रहा है चोट लगा यार, खड़ी तक नहीं हो पा रही है ये। इसकी फैमिली है। अरे 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 ऑलराइट गाइस, तो गाइस यार आज हम लोग वेल गाइस यार, एक बार अगेन अपने साथ है RC390 और जस्ट बगल में है डोमिनार, ठीक है, और इधर BMW+BMW। तो गाइस यार ये लोग घर में मुझे इंटरव्यू नहीं देने दे रहे थे, तो मैं सोचा मैं बाहर निकलूंगा तभी इंटरव्यू दूंगा। तो गाइस यार मैं एक दो दिनों के लिए आया था दिल्ली, ठीक है, तो R1 नहीं लाया था, तो मैंने सोचा यार इतनी सारी बाइक है तो राइड पर ही निकलता हूँ। तो हम लोग फटाफट से राइड पर निकल गए और बाकी आगे जो भी चीज़ें करते हैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने स्टे दी पिछले बार भी बंद हो गई थी। सो डूड सबसे पहले मैं ये रिवील कर दूं कि मैं दिल्ली आया किस लिए था। मुझे भाई यार मॉडिफिकेशन पार्ट्स लेने के लिए मैं आया था दिल्ली, ठीक है, तो इलाहाबाद में क्या सीन होता है कि वहाँ पर रैप वगैरह अच्छा हो जाता है, बट यार मॉडिफिकेशन पार्ट्स वगैरह ऑर्डर पे आने पड़ते हैं और एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते ऐसे वेट करना पड़ता है। तो मैं सोचा दिल्ली चलूँगा, एक दिन में पार्ट्स लेके दो दिन में चला आऊँगा, ठीक है। तो भाई यार रूम पे पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा यार ब्लॉग बनाते हुए चलूँगा ना भाई, सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी। और जब मैंने इससे पहले R1 को वाइट मॉडिफिकेशन कराया था तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि भाई कैसे सीरीज़ वगैरह कहाँ से लिए, तो आज वो भी दिखाने वाला हूँ तुमको कि सारे ऐसे सीरीज़ कहाँ से लेता हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, जिसका आंसर तुम लोग कमेंट में ज़रूर दे देना कि मेरे प्रैंक चैनल पे तुम लोग व्लॉग देखना पसंद करोगे, मतलब प्रैंक चैनल प्रैंक के साथ व्लॉग भी देखना पसंद करोगे, लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग और मोटर व्लॉगिंग, जल्दी जल्दी इसका आंसर दे देना। और यार तुम सबको दिल से थैंक बोलना चाहूँगा क्योंकि यार सबको पता है जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया था और इंस्टाग्राम अकाउंट जाने पर मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया और न्यू अकाउंट क्रिएट करने के एक से डेढ़ महीने के अंदर ही 15K की अपनी फैमिली कंप्लीट हो गई, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। और अभी बाइक में फ्यूल है बहुत कम, वेल जैसा कि मैंने बताया था कि बाइक में फ्यूल नहीं है, तो सबसे पहले आ गए हम पेट्रोल पंप और यहाँ पर बाइक देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना नंबर आएगा दिन पर पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद आगे की ब्लॉगिंग तो मैं कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। तो भाई जल्दी जल्दी से पहले यहाँ पर भरा लेते हैं पेट्रोल, पेट्रोल भर चुका है, ठीक है। और भाई यार कल रात में अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज उसका चेक कर रहा था, तो भाई यार दो तीन बंदे बोल रहे थे भाई सामने देखो, मतलब पेट्रोल पंप पे इतना ज़्यादा रश और अंकल स्कूटी खड़ी करके गायब हो गए, ठीक है, और यही क्या ही बोलूँ। तो भाई यार मैं ये बोल रहा था कि मैं अपने इंस्टाग्राम मैसेज रिक्वेस्ट कल रात में चेक कर रहा था, तो मैंने देखा चार पांच बंदों के ऐसे मैसेज आए कि भाई यार तुम नूर के साथ वीडियो बनाते हो, शुरबी से ब्रेकअप हो गया तो क्या नूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और नूर साथ रिलेशनशिप है। तो भाई यार सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ, वी आर ओनली फ्रेंड्स, ठीक है, और अभी से ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग। और भाई यार रही बात रिलेशनशिप की, तो अब रिलेशनशिप में आना ही क्यों है, लोग ये बोलते कि भाई गर्लफ्रेंड बनाओ, इसे गर्लफ्रेंड लाओ, किसी को भी साथ में वीडियो शूट करता हूँ तो ये रहता है कि भाई इसे गर्लफ्रेंड बनाओ ये सही, तो भाई ये रिलेशनशिप में ना ही आओ तभी सही है, तो क्योंकि यार जब आप किसी को साथ रहते हो ना तो आपको खोने का डर रहता है, और अगर आप सिंगल होना तो आपको किसी को खोने का डर ही नहीं है, तो ना रोना रोना ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, इससे अच्छा सिंगल रहो बेस्ट लाइफ है। और बाकी यार अभी देख सकते हो धूप, मतलब शाम के 5:30 बज रहे हैं और तब भी दिल्ली में देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा तेज़ धूप सामने से ब्लिंक कर रही है, मेरे आइस पे भी ब्लिंक कर रही है। तो भाई यार अभी जल्दी जल्दी से पहुँचते हैं करोल बाग और वहाँ पे भाई सारी पार्ट्स वगैरह एसेसरीज के मॉडिफिकेशन पार्ट्स में दिखाऊंगा। और तुम लोग कमेंट करके ये चीज़ बता देना भाई कि प्रैंक चैनल पे तुम्हें व्लॉग्स देखने या नहीं देखने, और प्रैंक्स तो तुम्हें देखने को हमेशा मिलेंगे, व्लॉग्स देखने के नहीं देखने प्रैंक चैनल पे, तो ये जल्दी जल्दी से कमेंट कर देना। अगर वीडियो देख रहे हो तो अभी कमेंट कर दो वीडियो को पॉज करके। पैर सीधा करना, पैर सीधा करना, सीधा करो, पैर सीधा करो, पानी 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 अभी तो नहीं, आप क्या अभी अभी सीधा नहीं हो रहा क्या इधर से, पैर कैसा हो गया, पैर लगा के बैठो, पैर मत पड़ा, ये भी नहीं बोल रहा है, नहीं नहीं ये, अरे भाई साहब भाई बंदी का पूरा पैर ही मुड़ गया, पानी लेने में जाओ,
हाँ हाँ बैठ जाओ, पानी आ रहा है। यार ये मोड़ते मोड़ते गिर गई भाई, गाइस मोड़ते मोड़ते चली गई बेचारी। तो कैसे चली गई ये भी समझ नहीं आया, मैंने सारा देखा, मोड़ते मोड़ते गिर गई धीरे से। गुड डे भी रेड पड़ रहे हैं आपके, अरे खड़े मत तो। भाई अंकल बोल रहे देख के लग रहा हॉस्पिटलाइज्ड होना होगा यार, भाई इतना ज्यादा मुड़ गया, मुझे तो लग रहा है यार नॉर्मली खड़ी हो सकती, बट इसका अंदर से पैर बहुत ज्यादा मुड़ गया। ये देखो रेड लाइट के सामने तो आपके साथ ये सीन हुआ है, और स्कूटी में हुआ कुछ अभी आपकी स्कूटी का छोड़ेंगे, हमारी बाइक स्कूटी का छोड़ेंगे, आपके ज्यादा पेन हो रहा है क्या आपके, यार संभल के चलाया करो ना, फिर सीधा करने की कोशिश करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अंकल के साथ जाओगे? अरे छोड़ देंगे ना, गाड़ी है आप स्कूटी से आए हो? तो गाइस यार इसको हॉस्पिटल, यार हम लोग चल के छोड़ देते ना हॉस्पिटल। अरे खड़ी तक नहीं हो पा रही है ये, सही आराम से आराम से आराम से भारी है भाई, चोट लगा। तो गाइस चली गई भाई, तो भाई अभी जस्ट हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक्चुअली गाइस उसके फैमिली आई नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा यार अगली बंदी हेल्प मांग रही है ठीक है, तो इसका वेटिंग करते हैं इसके फैमिली आने का, क्योंकि यार ऐसे मोमेंट पे आप कुछ भी फंस सकते हो। तो उस सिचुएशन पे आप अगर अकेले हो ना, तो कोई स्ट्रेंजर ही आपकी हेल्प करेगा तभी आपकी हेल्प हो पाएगी, वरना आप अकेले जब चोट लगी रहती है तो अकेले खुद की इंसान तब भी हेल्प नहीं कर सकता खुद के अकेले। तो गाइस यार इसीलिए हम लोगों ने सोचा यार इसकी फैमिली आ जाए तभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। उसकी फैमिली अभी आई है जाके, और अंधेरा हो चुका है सामने देख सकते हो ठीक है, तो अब जाके उसकी फैमिली। अरे 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 आराम से, अरे अरे भाई साहब, भाई का भाई लड़कियों का यही रहता है यार, और अगर मतलब खुद से घुस के चली आ रही हो, और अगर भाई अगर कोई बंदा ऐसे बाइक जाके सिर्फ टच कर देगा तो यार तुम लोग छपरी हो, तुम लोग बहुत रश ड्राइविंग करते हो, बहुत रश गाड़ियाँ चलाते हो, ये वो सिर्फ मुँह चलती है फिर उस टाइम पे, और बंदे गलत हो जाते हैं। और भाई अभी देखो कैसे घुसी चली आ रही थी बंदियाँ, यार काम किया करो ना, सीधा आके बाइक के आगे मत आया करो, बाइक के आगे आने से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते, सीधा आके बाइक पे बैठ जाया करो, मना नहीं करूँगा बाइक बैठने से, सीधा आके बैठ जाया करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आगे मत आया करो। एंड गाइस यहाँ तुम लोग बोल रहे हो कि करोल बाग जाने वाले थे अपन कर, लेकिन करोल बाग नहीं गए। तो गाइस यार हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोग चाय पीने चले गए थे, देन फिर उसके बाद जब टाइम देखा ना तो समझ में आया अब तो नहीं जा सकते भाई। करोल बाग की मार्केट ना मतलब बंद हो जाती है 8 बजे तक, और 7:30 अभी बज गए, तो 8 वहाँ जाकर तो बच जाएंगे। स्टेशन पार्ट्स तो आज नहीं ले पाया क्योंकि यार इतना ज़्यादा मतलब सीन हो गया था रास्ते में, तुमने देखा होगा ठीक है, बंदी का एक्सीडेंट हो गया, देन फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, देन फिर उसकी फैमिली जब आई देन हम लोग वहाँ से आए, और फिर उसके बाद तुम्हें बताया मैंने कि हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमते निकल गए, तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें कर पाऊँ, और जितनी सारे बाइक के एसेसरीज वगैरह सारे मॉडिफिकेशन पार्ट लेने नेक्स्ट ब्लॉग में तुम्हें दिखा पाऊँ। बाकी यार अगर ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को करना सब्सक्राइब, और वीडियो को यार शेयर कर देना। अगर तुम्हें कुछ दिमाग में आइडियाज़ हो कि R1 के मॉडिफिकेशन ऐसे ऐसे होते हैं तो मुझे एक बार सजेस्ट कर देना कॉमेंट में, और बाकी लव यू।